हेलो, पराठा। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम पराठा सीखने वाले हैं। पराठे आप सबने खाए होंगे, लेकिन ये जो पराठा है वो बहुत ही यूनिक है, और ये पराठा खा के आप पिज्ज़ा को भी भूल जाने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। ये पराठे यूनिक कैसे हैं वो आपको लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा। तो मायसेल्फ जेनी, फैकल्टी ऑफ स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यानी कि जो भी नए वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो ये पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंग्रेडिएंट दे दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में डालनी है, वो सारा डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले मैंने जो है ये आटा लगा के रखा है, और आटे को मुझे रेस्ट देना था इस वजह से मुझे लगा के रखना पड़ा। तो इसके भी जो इंग्रेडिएंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। बेसिकली इसमें 1 कप मैदा है, 1/2 कप गेहूं का आटा है, ऑयल है एंड सॉल्ट है, थोड़ा सा रवा है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम लोगों ने आटा गूंदा है। अगर आप लोगों को रवा नहीं यूज़ करना है और बेसन का यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें रवा डाला है थोड़ा सा क्रिस्पी इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये जो पराठा है वो स्ट्रीट स्टाइल पराठा है, मैं तवा इसलिए गरम करके रख रही हूँ कि फटाफट से हमारा काम हो जाए। पूनम प्लीज देख लो, ये हमारा गैस धोखा ना दे देना। मेरे साथ ही ये सब होता है, कभी गैस चली जाती है, कभी नेट चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्टफिंग बनाने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए। आटे को मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, अब ये जो पराठा है इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, जिसमें है यहाँ पे बारीक चॉप्ड अनियन, इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है। अब आप पहले से करके रखो ना, तो अनियन को लेके ऐसे दबा के जस्ट इसका पानी निकाल लेना। ये करने से आपका जो स्टफिंग है वो पानी नहीं छोड़ेगा और अच्छे से आप पराठे बेल पाओगे। तो मैं यहाँ पे अनियन ले रही हूँ, उसके साथ हम लेंगे कैबेज, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप किया है, तो इसका भी पानी दबा के निकालो। आई थिंक इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा पानी निकाल के ही दिया है, इस वजह से नहीं निकल रहा है। आप लोग अगर छोड़ोगे इसको साइड पे तो इसका पानी निकलेगा। तो अन्य कैबेज, और ये है गाजर जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है, और इशारा आ रहा है कि पानी इसका नहीं निकाला है, निकाल लेना। तो लेकिन नहीं निकल रहा है, ये इसमें पानी नहीं है इतना, लेकिन फ़िलहाल आप लोग भी ऐसे जस्ट निकाल लेना पानी को। ओके, और एक सजेशन है, ये जो बड़ी वाली ग्रेटर इन लोगों ने ग्रेट किया, आप छोटी वाले ग्रेटर से करना, नहीं तो पराठे जो है ना आपके फट जाएंगे, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। तो मैं सजेशन दे रही हूँ आपको, ये जो कैप्सिकम है इसको भी दबाना है, लेकिन इसको चॉपर चॉप नहीं किया है, जितना हो सके उतना बारीक चॉप आप अपने हाथों से कर लेना कैप्सिकम को। ओके, एंड यहाँ पे है धनिया पत्ती, इसके बगैर मेरा काम नहीं चलता, आप सबको पता ही है। देन ये है स्प्रिंग अनियन, जो लोग जैन है वो अनियन को प्लीज स्किप कर लेना, और आप बेल पेपर्स यानी कि तीनों कलर के कैप्सिकम का यूज़ कर सकते हो। देन इसमें जाएंगे बॉइल पटेटो, तो पटेटो मैं ले रही हूँ। ओके, और इसमें जाएगा पनीर, ये थोड़ा महंगा पराठा है क्योंकि पराठे का नाम ही है राजा रानी पराठा, तो ऐसा मत सोचना कि पनीर, अब तो मैं चीज़ भी डालने वाली हूँ। ओके, तो मैंने जैसे बोला नाम ही है राजा और रानी, तो पनीर चीज़ सारी महंगी महंगी चीज़ें इसमें जाने वाली है। और जितना बनाना हो ना उतना ही स्टफिंग रेडी करना, पहले से स्टफिंग बना के रखोगे तो ये पराठे फट जाएंगे, आप बेल नहीं पाओगे। इसमें मैंने चीज़ ग्रेट कर लिया है, अब इसमें मैं डालूँगी शेजवान सॉस। स्ट्रीट में इसके अंदर फूड कलर भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ फूड कलर बिल्कुल भी। और यहाँ पे है ग्रीन चिली पेस्ट, तो हम ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाना तो ही इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। देन जाएगा यहाँ पे अमचूर पाउडर, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और जाएगा इसमें गार्लिक,
जैन लोग आप लोग गार्लिक मत डालना, ओके। और इसमें और सारे मसाले हैं जिसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी एकदम कम हल्दी, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन जाएगा यहाँ पे RCP यानी कि रेड चिली पाउडर, एंड जाएगा यहाँ पे गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर। मैम शेजवान सॉस का सब्स्टिट्यूट क्या डाल सकते हैं? शेजवान सॉस की जगह पे आप कश्मीरी रेड चिली जो होती है उसका पेस्ट, ये रेशम पट्टा पेस्ट ऐसा आता है, ओके। रेड चिली, सूखी वाली रेड चिली को आपको पानी में बॉईल करके उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के ये पेस्ट आप डाल सकते हो अगर आप शेजवान सॉस नहीं खाते हो तो। वैसे हमारा जैन शेजवान सॉस का वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो वो वीडियो। फ्रेंच बीन्स एंड टमेटो यूज़ कर सकते हो? टमेटो यूज़ कर सकते हो, लेकिन टमेटो यूज़ करने के बाद क्या होगा कि पानी छोड़ देगा ये पूरा, तो इस वजह से मैंने स्किप किया है। वैसे ये रेसिपी में जाते हैं, हाँ तो आपको डालना है तो आप डाल देना, और फ्रेंच बीन से फट जाएगा तो फ्रेंच बीन्स मत डालना। मैम ये कश्मीरी लाल मिर्च है क्या? हाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। तो मेरी सारी चीज़ें जो मुझे डालनी थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके जो पराठे हैं वो बेलते बेलते फट जाते हैं, राइट। तो ऐसा अगर कभी भी आपको लगे तो आप जब पराठे का मिश्रण रेडी कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए, तो जो आटा है वो पूरा पानी सोख कर लेगा और आपके पराठे जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। मुझे भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मिश्रण है ना वो थोड़ा सा अब पानी छोड़ेगा, तो मैं सेफर साइड थोड़ा सा इसके अंदर आटा डाल रही हूँ, ओके। तो ये मेरे पास आटा है, तो जस्ट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मत डालना नहीं तो आटा आटा लगेगा। बस इसको ऐसे डाल के मिक्स कर लीजिए, तो ये आटा जो है पूरा पानी खींच लेगा और आपके पराठे जो है वो फटेंगे नहीं। बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स बताती जाऊंगी मैं पराठे बेलने के लिए, तो कहीं पे भी नहीं जाना है आपको, यहीं पे रुकोगे ना तो ही पता चलेगा, ओके। ये रेडी है मेरा, मैं थोड़े से हाथ क्लीन कर लूं मेरे। चले तो अब बारी आती है पराठे बेलने की। क्वेश्चंस हैं जी प्लीज बीच में। हाँ मैम, मैम ये सारे वेजिटेबल्स हम चॉपर में चॉप कर सकते हैं क्या? कैप्सिकम को चॉपर में मत करना, वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। टमेटो अगर डालने वाले हो तो उसको भी मत करना। टमेटो डालने वाले हो तो थोड़े से कड़क वाले टमेटो लेना, उसके सीड्स निकाल देना, फिर चॉपिंग करना और फिर लेना। इसलिए मैंने तो स्किप ही कर दिए क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना था इस वजह से। मैम बॉयल मटर यूज कर सकते हैं क्या? बॉयल मटर, हाँ बॉयल मटर यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी डिस्टर्ब करेगा, हाथों से बॉयल करके थोड़ा सा मैश करना पड़ेगा उसको। चलो अब ये जो है मेरा आटा, यहाँ पे आटा रेडी है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा पार्ट ले लूंगी और ये पराठा जो है वो बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। बॉल बनेगा, मैंने इसको मिनिमम 20 से 25 मिनट तक रेस्ट दिया है। अगर आपको सॉफ्ट पराठे खाने हैं तो इसमें आप हाफ टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो जब आप ये आटा लगा रहे हो, तब मैंने नहीं डाला है, मुझे थोड़े क्रिस्पी पराठे पसंद है इसलिए। अब क्या करना है, अब ये जो है इसमें इसको हमें बेल लेना है। मुट्टू भी लगा करो, ओके। इसको जस्ट आप खींचो अच्छे से, और आप लोग जो गलती करते हो वो ये है कि पहले से ही जो पराठा होता है ना
उसको बहुत ही पहले से ही पतला कर लेते हो। जो बेस है ना उसको थिक रखना है हमेशा, इतना ध्यान रखना। जितने लोगों को पराठे बेलने में दिक्कत आ रही है, फट रहे हैं, उनके लिए ये सारी टिप है। तो मैंने ये जो बेस है वो रेडी कर लिया, राइट। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी या तेल, ओके। देन इसके ऊपर लगाएंगे हम आटा, ओके। अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर भी थोड़ा सा आटा ऐसे लगा दो। यहाँ पे आप चाहो तो बेसन भी लगा सकते हो। अब इसको आप जस्ट ऐसे ऊपर की तरफ लाओ, इसकी गर्दन पकड़ो, ओके, और इसको निकालो। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको खींच के निकालने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही आप दबा दो, ओके। फिर जितना हो सके उतना हाथ से इसको प्रेस करो, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा के इसको ना घुमा दो ऐसे, और अब आपको इसको उलट पुलट करके बेलना है। इसको बिल्कुल भी एक जगह से नहीं बेलना है। मैम अभी हमारे साथ 500 प्लस लोग जुड़े हैं, तो आप कल के लाइव के लिए भी अगर इनवाइट करना चाहो तो देखो, कर सकते हैं। कल जो है हमारा लाइव वो उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और कल हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं हलवाई स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी, जिसमें हम ग्रेवी बनाना भी सिखाएंगे, और उसके साथ हम आप लोगों को वेजिटेबल्स कैसे अच्छे से बनाना है, बनते हैं शादियों में, वो भी सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर कल की सरप्राइज आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो कल के सेशन में। इसको बस ऐसे आपको उलट 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 करके ही बेलना है। मेरा तवा यहाँ पे बड़ा ही है, थोड़ा सा डीप वाला लेना ताकि आपका ऑयल या बटर जो भी है वो बाहर ना निकल जाए। क्वेश्चंस प्लीज बीच में जो भी हो मुझसे पूछ लीजिए। है कोई क्वेश्चन के सब देखने में मसरूफ हो गए हैं? कल सब ज्वाइन करेंगे, कल सबको ज्वाइन करना है। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, और वो क्या सरप्राइज है वो तो सरप्राइज ही है, तो अभी नहीं बताऊंगी। अब क्या करना है, ये पराठे को लेना है आपको, ओके, और हम इसको तवे के ऊपर ऐसे रख देंगे। और गैस की जो फ्लेम है इसको हम थोड़ा सा हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पे ही करना है। चलिए तब तक जो भी क्वेश्चंस है प्लीज पूछ लीजिए आप मुझसे। पनीर पराठा के लिए कोई स्पेशल टिप? पनीर पराठा अगर बनाना है तो आपको पनीर एंड चीज पराठा बनता है, तो उसके लिए आपको पनीर और चीज दोनों को मिक्स करना है, साथ में धनिया पत्ती डालनी है और मिक्स करके आप बना सकते हो। मैम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी मत डालना कॉर्नफ्लोर। मैम कल क्या सिखाने वाले, उसका नाम एक बार रिपीट कर। कल हम सिखाने वाले हैं हलवाई स्टाइल मिक्स वेजिटेबल की सब्जी, ओके। कल हम ये सब्जी लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, तो प्लीज आप लोग कल हम लोगों के साथ जुड़ जाना। और बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं आपके लिए कल के लाइव में, तो कल का लाइव बिल्कुल भी मिस मत करना। मैम इसमें ग्रेटेड लौकी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं प्लीज, ग्रेटेड लौकी मत यूज करना, क्योंकि वो टेस्ट खराब हो जाएगा। ये थेपला नहीं है, पराठा है। अगर आप थेपला बनाने वाले हो तो आप लौकी यूज कर सकते हो। मैम इतनी फिलिंग से कितने पराठे बनेंगे? ये जो फिलिंग है उससे हमारे 4 पराठे बनेंगे बड़े साइज के।
अब ये जो पोर्शन है मैंने हाई फ्लेम ही रखी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बटर लगा दो। रिक्वेस्ट आ रही मैम, स्प्रिंग डोसा सिखाइए ना कभी। डेफिनेटली जितनी भी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, हम लोग जितना भी पॉसिबल होगा आपके लिए लाते जाएंगे। मैम प्लीज कल का टाइम, लाइव का टाइम बता दीजिए। कल के लाइव का टाइम 5:30। ओके, अब ये आप घी तेल दोनों में भी सेक सकते हो, या फिर सिर्फ बटर में सेकना हो तो बटर में भी सेक सकते हो। मैं बेसिकली अभी इसको जो सेक रही हूँ वो बटर और तेल मिक्स करके सेक रही हूँ। अभी ये पराठे में ट्विस्ट बाकी है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका जो मिश्रण है वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, मॉइस्चर छोड़ रहा है, तो आप उसके अंदर आटा लगा दो। मैम अगर कोई टिफिन में पराठा लेके जाता है तो सोगी हो जाता है, तो उसके लिए क्या टिप्स है? आप जब आटा लगाओ ना तो उसके अंदर रवा या बेसन दोनों में से कोई भी एक चीज डालोगे ना तो वो सोगी नहीं होगा बिल्कुल। और इससे पहले हमने एक आलू पराठा का वीडियो भी डाला था, अगर किसी ने नहीं देखा वो हमने लिंक में डाला है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाके आप देख लेना। और तब तक ये सीख रहा है तब तक मैं सिमरन को बुला लेती हूँ। प्लीज सिमरन आ जाओ। दर्शन के ऊपर छींटे पे छींटे। अभी कुकिंग इंस्टीट्यूट है मैम, तो ये तो बनता ही है, ये तो फिर बनता ही शुरुआत है ये। ओके सो अभी तो देख मैम को बहुत मजा आ रहा है, तो कोई नहीं, कुकिंग है, हम किचन में है तो किचन में छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं। तो अभी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो दिवाली एंड हो चुकी है बट हमारे पास से ऑफर्स एंड ऑल बिल्कुल कम नहीं हुए हैं, तो वो ऑफर्स जानने के लिए अभी दिवाली एंड हुई है बट अभी भी फिर भी फेस्टिवल्स का एंड तो नहीं होता है। दिवाली खत्म होने के बाद फेस्टिवल्स तो हमारे कंटिन्यू ही रहेंगे, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला है। सबको पता ही है कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, ये फेस्टिवल बच्चों को सबको बहुत पसंद है, इनफैक्ट मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। तो अभी क्रिसमस आने वाला है ना, अभी आपके बोलने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, तो क्रिसमस आने वाला है। अब स्वाद है, फेस्टिवल भी है, क्रिसमस है, और स्वाद कोई क्लास ना लेकर आए क्रिसमस के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही क्रिसमस के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिक क्लासेस है, जिसमें क्रिसमस स्पेशल बेकिंग एंड कुकीज़ का भी क्लास है, बहुत सारी क्लासेस है। तो मैं कुछ आपको उसकी फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगी कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस है। ये हम भी थोड़ा बाद में ले क्योंकि मेरा ये हो गया है, ये हम थोड़ा बाद में ले सकते हैं आयुष। सो अभी क्रिसमस है तो क्रिसमस के लिए लाइक हम बहुत सारी क्लासेस लेकर आए हैं, जैसे ये जार, केक जार है वो है, वो हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं, प्लस डिफरेंट डिफरेंट कुकीज़ हैं वो हम इसमें आपको बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं क्रिसमस केटो कट केक, 4 फ्लेवर सी चॉकलेट के टार्ट्स हैं, मत्ते सारे यूनिक है, 4 लेयर ब्लॉन्डी है, एंड केक्स लेकर आ रहे हैं हम स्पेशली फॉर क्रिसमस। क्रिसमस का टाइम है और केक ना हो, ड्राई फ्रूट केक है, पेस्ट्रीज है, प्लम केक है, ये सॉरी वुड स्विस रोल्स है, ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़ हम लेकर आ रहे हैं स्पेशली फॉर क्रिसमस। तो इसमें आपको इनरोल कैसे करना है, अभी से ही जैसे ही आपने फ़ोटोज़ देखे हैं तो आपको अच्छे तो लग ही रहे हैं। मैम पहले हम प्रेजेंटेशन देख लें, उसके बाद आप पूरा ब्रीफ उनको दे दीजिए। ओके देखो जाइएगा मत, मेरा सिमरन मुझे मारेगी ना। ओके सो ये जो पराठा है ना उसको मैं मेरे प्लेट में निकाल रही हूँ। ओके अब ये जो ट्विस्ट वाला पार्ट है ना वो अब आने वाला है, तो ये जो पराठा है इसको मैं जस्ट कट कर लूँगी। जैसे कि मैंने बोला था ये पराठा खाने के बाद आप लोग पिज्ज़ा को भूलने वाले हो, राइट तो यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा तवे के ऊपर बटर, और हमारा जो मसाला बच गया था वो मसाला, देन
देन इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा म्यूनीज़। ये म्यूनीज़ की बॉटल ने आज मेरी लाज रखी है, नहीं तो हमेशा उछल उछल के बाहर आती है। तो इसको हम अच्छे से ऐसे पकाएंगे। तो ये जो कहते हैं ना, इस वजह से इसका नाम राजा रानी। ये ऊपर एकदम लोडेड फीलिंग जाएगी पराठे के ऊपर, उसके ऊपर चीज जाएगा, देन ये सर्व होता है पराठा। ये सूरत का बहुत ही फेमस है पराठा राजा रानी। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज पनीर डालना चाहो तो डाल सकते हो, डेफिनेटली। ओके, अब ये जो फीलिंग है इसको हम पराठे के ऊपर निकाल लेंगे। ओके, और इसको जस्ट ऐसे स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से सेटल कर लो इसके ऊपर। अब ये जो चीज है इसको हम इसके ऊपर ग्रेट करेंगे। देन धनिया पत्ती, चाट मसाला, और अगर आप चाहो तो ये केचप और मेयोनीज ऐसे डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पराठा जो है वो एकदम रेडी है, जिसको आप ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हो। राइट, क्वेश्चन आज का बाकी है मुझे पता है, और ये पराठा जो है हमारा रेडी है। बस इतना ही, ये लोग मुझे धनिया का पेड़ दे रहे हैं लेकिन आज नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर ओवरलोडेड टॉपिंग है। सो हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ और। और हमारे जो कल का विनर था, कल के लाइव का जो विनर था, उनका नाम है सलोनी जैन, जिसके मोबाइल के लास्ट डिजिट है 8483। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सलोनी जी, आपको यहाँ से एक ऑनलाइन क्लास एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, जो आप यहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो कि कैसे आपको लेना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9712307070। तो सिमरन प्लीज़, अब आप आ सकते हो प्लीज़। थैंक यू जेनी मैम। अभी जेनी मैम की टॉपिंग्स भी सब प्लेटिंग हो चुकी है। सो अभी तो मैंने आपको बताया ही था, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि क्रिसमस आ रहा है तो स्वाद क्लास ना लेके आए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं क्रिसमस स्पेशल बेकिंग क्लासेस, जो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जैसे मैंने फोटोज सबको दिखाई है, इतने अमेजिंग फोटोज, 4 layers ब्लॉन्डीज, एंड उसके बाद क्रिसमस स्पेशल टी केक, इतनी सारी यूनिक रेसिपीज है, कुकीज है, टार्ट्स है, चॉकलेट वाली फिलिंग है, ओवरलोडेड फिलिंग के साथ है ये क्लासेस। तो आप इसको ईजिली परचेज कर सकते हैं। तो इसको परचेज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है स्वाद कुकिंग के नेम से। जल्दी से उस पर जाइए और उस पर साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आप हमारी बेकिंग क्लासेस ईजिली परचेज कर सकते हैं। एंड प्लस कि हमारे जितने भी क्लासेस हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैम मुझे 1 month एक्सेस बहुत कम पड़ रहा है, 1 month एक्सेस तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता और क्लास हमारी एंड हो जाती है, मैं बाहर चली गई। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो क्लास भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग की ही डिमांड में हमारे जितने भी नॉन सर्टिफाइड क्लासेस हैं,
वो 100+ ऑनलाइन क्लासेस एंड नॉन सर्टिफाइड, तो सारी क्लासेस के प्राइस हमारे हो चुके हैं 799 फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। अब इससे ज़्यादा आपसे क्या ही हम डिमांड करें, आपने बोला तो हम तो ले ही आए हैं। सो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन पे और हमारी कुकिंग क्लास के लिए जल्दी से इनरोल कर लीजिए। और इन केस फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आया कि आपको इनरोल कैसे करना है, तो हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 9712307070 पे आपको कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आपकी क्लास की डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएगी। एंड कल तो लाइव में हम मिल ही रहे हैं, जैसे मैम ने बोला कि हम एक गिफ्ट के साथ आ रहे हैं। मैम कोई आउट ऑफ कंट्री रहता है तो भी हमारे क्लासेस कर सकता है? यस, तो अभी जो आउट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन 200+ कंट्री में एफिलेटेड है, तो ऑल ओवर इंडिया जो इंडिया से बाहर भी है वो भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग या मैसेज पर अपनी इंक्वायरी क्लियर कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं आपके साथ, कल आज का क्वेश्चन सिमरन मेरा, हाँ मैं अपना करूँगी। तो आज का मेरा क्वेश्चन जो है वो बाकी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझे बताना है कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी सीखनी है और कल कौन कौन मेरे साथ जुड़ने वाले हैं लाइव में बेनिफिट लेने के लिए, जो हमने सरप्राइज रखा है, ये क्रिसमस के पहले का सरप्राइज है। ओके, तो मुझे एनजी प्लीज इन लोगों की रिक्वेस्ट, मुझे बताओ क्या क्या सीखना है इन लोगों को। एक मिनट मैम, क्या हुआ तेरे बहन जी? मेरे को कुछ नहीं, केक्स लेके आई है मैम। केक्स लेके, केक्स के बहुत सारे क्लास है हमारे, लेकिन फिर भी क्रिसमस आ रहा है तो हम लोग आप लोगों को एक फ्री केक तो सिखाएंगे लाइव आके, तो वो तो हम लोगों ने सोच के ही रखा है कि आप लोगों को केक तो सिखाना है। और कौन कौन सी चीजें सीखनी है आप लोगों को? मैम इसमें बिरयानी, बिरयानी दर्शन बोल रहा है, बिरयानी सीखनी है डेफिनेटली। बिरयानी दर्शन, कौन सी बिरयानी? वेज बिरयानी या फिर सोया बिरयानी, कौन सी बिरयानी? ऐसा तो कुछ नहीं, इवन मैम हमारा बिरयानी का वीडियो शायद कल तक एक अपलोड होने वाला है, बिरयानी इन कुकर। एक जो है बिरयानी हमारी ऑलरेडी है, मखानी बिरयानी एक का वीडियो कल अपलोड होने वाला है, एक का ऑलरेडी वीडियो है, हैदराबादी बिरयानी का भी है, और आप लोग जो बोलेंगे वो और भी सिखा देंगे। काजू मैसूर पाक, काजू मैसूर महंगी रेसिपी, बकलावा तो लाइनअप है हमारा, पाइपलाइन में है, सोचा है बकलावा करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। सोया चाप बिरयानी, वेज बिरयानी, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर, रेड थाई बर्गर के लिए हमारा पार्टी स्नैक्स का क्लास भी है, और सब्वे सैंडविचेस का क्लास में हम बहुत सारे सैंडविचेस करवाते हैं, लेकिन बर्गर का भी बहुत सारे वीडियोज है हमारे यूट्यूब पे ही है, फ्री वीडियोज है, आप देख सकते हो। बैक रोटला, कौन सा रोटला? बेक रोटला, बेक रोटला डेफिनेटली। मीन्स तो तवे पे बनाने से क्या होगा, तवे पे बनाओ ना पहले। बेक रोटला, ओके चलिए करवा। नान खटाई विद घी, नान खटाई का वीडियो हमारा लास्ट दिवाली पे हम लोगों ने डाला है, लग रहा है कि आप लोग अच्छे से हमको फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि आधे आधे सजेशन ऐसे हैं जो ऑलरेडी है, बहुत डिमांड है, बोलते जाऊं। मैक्सिकन पराठा, दाल फ्राई, ओके दाल फ्राई, दाल फ्राई करवा दीजिए। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, नॉन वेज क्लासेस चलेगा? नॉन वेज क्लासेस नहीं चलेगा, चलाना है लेकिन नहीं चल सकता अभी, थोड़े टाइम वेट कीजिए फिर चलाएंगे। एगलेस मैक्रोन, एगलेस मैक्रोन की क्लास है हमारी, डेफिनेटली आप उसको परचेस कर सकते हो। और कल एग्जैक्ट 5:30 बजे हम लोग आएंगे, जिसमें हम आप लोगों को एक सीक्रेट ग्रेवी की रेसिपी भी सिखाने वाले हैं, जो आपको बहुत सारे रेसिपीज में काम आने वाली है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिक्स वेज सिखाने वाले हैं, ग्रेवी भी सिखाएंगे उसके साथ, जिसको आप स्टोर करके भी रख पाओगे। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे लाइव खत्म हो रहा है, आप लोगों के डिमांड का हमें इंतजार रहेगा, कल मैक्स टू मैक्स लोग हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों के रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स, उन लोगों को भी बताइए, क्योंकि बेनिफिट सबके लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए, सबको बेनिफिट मिलने वाला है, तो आना और बेनिफिट लेके चले जाना। सिमरन आपको कुछ बोलना है? हो गया आपका? ओके, मुझे बाय बाय करना है, चलिए सी यू सून, बाय बाय।